नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका। तो दोस्तों, फ्री का वर्ड सुनते ही आप लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि काश हमको दुनिया भर की सारी चीज़ें जो है वो फ्री में मिल जाएं तो कितना अच्छा होता। तो सोचिए, अब जो है फ्यूचर में यही होने वाला है। जो भी NFT का जो डोमेन होगा, जैसे आजकल हम लोग .com, .in, .org इस तरह के जो डोमेन यूज करते हैं, अब इन फ्यूचर जो है ये सब डोमेन जो है रिप्लेस किए जाएंगे नए डोमेन से। तो वो नए डोमेन क्या होंगे और वो डोमेन जो होंगे लाइफ टाइम फ्री होंगे। उसमें आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद पूरा लाइफ, पूरा जीवन, यानी कि जब तक आपकी वो साइट रहेगी तब तक आपको उसमें कोई भी एक रुपया भी इन्वेस्ट करने की नीड नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, NFT डोमेन क्या है और ये अनस्टॉपेबल कैसे है, क्या होती हैं, कंप्लीट फ्री में डोमेन कैसे बाय करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करते हैं हम इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अभी से आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अभी पूछिए। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं क्या होते हैं। तो NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, और इसमें फंजिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें जो है रिप्लेस ना की जा सके, जो बदली ना जा सकी हैं, ठीक है। नॉन फंजिबल का मतलब यही है, और टोकन के रूप में उसको बना दिया जाएगा, यानी कि इनको कोई भी, यानी कि ऐसी एक आर्ट, ऐसी एक कला जिसे जो है ये खुद में जो है एक जो है वो एक यूनिक चीज़ होगी, ठीक है। जैसे आपने कोई भी चीज़ बनाई वो यूनिक होनी चाहिए, तो वो NFT में आ जाएगी। NFT के मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें तो 2021 में आप लोग चाहते होंगे कि बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन NFT का मार्केट उससे भी ज़्यादा जो है ग्रो किया है, ठीक है। तो आप लोग इस NFT के मार्केट को अच्छे से जो बना सकते हैं फ्री में, ठीक है, अपने लिए NFT बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये एक वीडियो है, आई बटन पर जाकर के जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, NFT डोमेन क्या होते हैं बात करते हैं। तो NFT डोमेन यानी कि जैसे मान लिया आजकल जो डोमेन बनते हैं .com, ठीक है, .in, .org या इस तरह से इंड होते हैं, लेकिन अब जब फ्यूचर में डोमेन होंगे वो होंगे कुछ इस टाइप के .x, .crypto, .blockchain, ठीक है, इस प्रकार के, और ये कुछ और भी हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से होंगे। .x का क्या मतलब है वो मैं आगे बताऊंगा। जैसे मान लिया आपका कोई नाम है तो उसके आप जो है लास्ट में अपने नाम से भी जो है डोमेन बना सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी NFT डोमेन में कि आपको उस डोमेन में एक बार रजिस्टर करना होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अब तक क्या होता, जैसे मान लो आपने कोई एक वेबसाइट बनाई, जैसे मान लिया एक क्रिप्टो बिना है, तो मैंने मान लिया क्रिप्टो बिना .com करके एक साइट बनाई, तो मैं मान लिया GoDaddy पर गया और मैंने जो है डोमेन बाई कर लिया एक साल के लिए या दो साल के लिए बस, ठीक है, 3 साल 5 साल 6 महीने, ठीक है, या कुछ और भी इससे ज़्यादा बाई कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, NFT क्यों अलग है, NFT डोमेन इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार रजिस्टर करना होगा और लाइफ टाइम के लिए वो डोमेन आपके अंडर में होगी। आपका बेटा चलाए, चाहे आपका बेटे का बेटा चलाए, वो तब तक लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगी। उसमें आपको कोई भी एक चार्ज, एक भी रुपया चार्ज नहीं देना होगा। ये सबसे बड़ी बात। उसके बाद इसमें क्या खास बात रहेगी, खास बात होगी ये कि बहुत सारे बेनिफिट होंगे आपके लिए। जैसे NFT डोमेन जो क्या होता है, देखिए, एक सर्वर पर काम ना करके, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक चेन बनी होती है, ठीक है, जैसे आप चेन समझते हैं उस प्रकार से एक चेन होती है। जैसे मान लिया ऐसे जब आप लोग डोमेन कोई बाई करते हैं तो उसकी अथॉरिटी जो है एक के हाथ में रहती है, उसी डोमेन के हाथ में, यानी कि वो जो सर्वर है उसी के हाथ में रहती है। लेकिन अब इसमें क्या होता है ब्लॉकचेन में कि वो सर्वर किसी एक के पास जो नहीं रहता है, ठीक है, उसका जो अथॉरिटी है वो ऑलवेज चेंज होती रहती है। जैसे मान लो जो डाटा होता है वो आज इस कंप्यूटर में तो कल उस कंप्यूटर में किसी दूसरे तीसरे ऐसे वो चला करता है। इस प्रकार से उसकी साइकिल जो है चेन के फॉर्म में रन करती रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, लोगों को पता नहीं चल पाता कि असली डाटा जो ओरिजिनल चीज़ है वो कहाँ है, ठीक है। तो इस प्रकार से डाटा इसमें सबसे ज़्यादा जो है सिक्योर रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और Web 3.0 पर वर्क करेगी। Web 3.0 क्या होता है बात करते हैं। 3.0 यानी कि फ्यूचर का इंटरनेट, जो कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा और ये भी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करेगा।
अब तक आप लोग जो वेव 1.0 या वेव 2.0 ये आप लोग नाम सुनते आए होंगे, लेकिन 2014 में इसको सबसे पहली बार जो वेव 3.0 को कंस्ट्रक्ट किया गया था। और तब जब ये इसका जो कंस्ट्रक्ट करना सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि जैसे मान लिया आपने कोई एक आर्टिकल या कोई भी आपने कंटेंट जो है पब्लिश किया, ठीक है, इंटरनेट पर, तो क्या होता था अगर मान लिया आपके पास जो है 19 जो है आर्टिकल हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 4 आर्टिकल ही ओरिजिनल होते थे, बाकी सब जो है चोरी किए हुए होते थे। सोचिए कितनी ज़्यादा जो है इंटरनेट पर चोरी होती है। मान लिया आपने आज कोई डाटा पब्लिश किया, ठीक है, तो अब आपके अंडर में वो चीज़ नहीं है, आपका खुद का डाटा जो आपके अंडर में नहीं है। यूट्यूब जैसे मान लिया यूट्यूब पर मैं पब्लिश करता हूँ तो वो डाटा क्या हो गया, अब वो यूट्यूब के अंडर में है, जो चाहे वो कर सकता है। फेसबुक पर जो मैं डाटा पोस्ट करता हूँ, कोई भी चीज़ पोस्ट करता हूँ, वो फेसबुक के अंतर्गत है। इंस्टाग्राम पर, ठीक है, जो भी सोशल मीडिया साइट है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर अब ये होने वाला है, सबसे बड़ी बात यही है वेब 3.0 की, इसमें जो भी डाटा हम लोग यहाँ पर पब्लिश करेंगे इंटरनेट पर वो अब हमारा डाटा होगा, खुद का डाटा, उसको कोई भी अब जो है ले नहीं सकता, ठीक है। एक बार जैसे मान लिया कोई भी मैंने जैसे कोई भी कंटेंट जैसे पब्लिश किया तो उसका पूरा कंट्रोल जो है इन फ्यूचर अब सिर्फ और सिर्फ जो है आपके हाथ में होगा अगर आपने उसको पब्लिश किया है, क्योंकि उसका जो पूरी जो की है, ठीक है, वो अब आपके अंडरगत होगी, ठीक है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता ना, तो ब्लॉकचेन सिस्टम में ही होता है। जैसे मान लिया आपने जैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को जब आप लोग बाय करते हैं तो उसमें एक जो की मिलती है, बगैर उस की के जो है कुछ भी नहीं हो सकता, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही की पता होनी चाहिए और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ जो है आपके ही अंडर में होंगी। तो ये सबसे अच्छी बात है, यूनिक बात है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर मैंने जो वेब 3.0 पर या जो NFT डोमेन क्या होते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं, इन सब के बारे में। देखिए तो यहाँ पर क्या NFT डोमेन जो इन फ्यूचर होने वाले हैं काफ़ी अच्छे सस्ते होंगे। कहाँ से आप जो इसको बाय कर पाएंगे, तो एक जैसे मान लिया कोई अनस्टॉपेबल कोई साइट है, वहाँ से आप लोग इसको जो है बाय कर सकते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए। अब इसके कुछ जो मैंने जो प्रॉफिट थे लाभ तो बता दिए, काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आप लोग अगर अभी तक मान लिया जो है NFT को बाय नहीं किया NFT डोमेन, तो आप लोग जरूर अभी बाय कर लें। क्यों? क्योंकि अब इसका जो फ्यूचर काफ़ी अच्छा इन फ्यूचर में होने वाला है। जैसे आपको पता होगा कि फ्यूचर में जैसे मान लिया आप जो है इस समय डोमेन कुछ बाई करते होंगे, लेकिन उनकी अथॉरिटी कोई किसी दूसरे के पास चले जाते हैं तो आप लोग जो है उसको बाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अभी से जो है अपने नाम का डोमेन फिक्स रखेंगे तब कोई भी इन फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। मैंने अभी पिछले बात किया था अभी पहले कि .x क्या है। एक्स देखिए, जैसे मान लिया आपका कोई नाम है, जैसे मैंने साइट बनाई तो मैं साइट बना सकता हूँ crypto.bine, ठीक है, अपने नाम से ही मैं डोमेन ले सकता हूँ। सोचिए कितनी अच्छी बात है। तो ये अभी तक के लिए ही सीमित है, अभी नई नई चीज़ है, तो अभी अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अभी इसका चार्ज भी कम है, इन फ्यूचर इसका चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा सिर्फ एक ही बार सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करना और लाइफ टाइम तक वो जो डोमेन यानी कि वो जो वेबसाइट होगी उसका एक्सेस होगा, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो हर कोई व्यक्ति इसको जो है इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करके जो अपनी वेबसाइट रन करना चाहेगा। और अगर आपने पहले से कई सारे डोमेन ले लिए हैं फिर उनको आप बेच भी सकते, सेल भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि डोमेन सेलिंग का जो वेबसाइट जो मतलब चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अच्छी चलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा भी होता है, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप लोग ये सारी चीज़ें कर भी सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से, ठीक है, NFT डोमेन क्या होते हैं, कैसे आप लोग बाई कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। कोई भी कमी रह गई हो तो भी बताएं, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।